नाबालिग की अस्मत हुई फिर तार तार, दरिंदों से घिरी रही 7 दिनों तक और 1 महीने तक उसने अपनी शिकायत दर्ज नहीं कराई। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं वाक्या, सच दिल दहला देने वाला। मामला है ग्वालियर के 34 थाना इलाके का, जहां नाबालिग को उसका अपहरण कर बंधक बनाकर उसके साथ 7 दिनों तक दुष्कर्म किया। हैरानी की बात यह है कि 1 महीने तक पीड़िता ने शिकायत दर्ज नहीं कराई, क्योंकि उसे धमकी मिली थी कि अगर उसने किसी को बताया तो वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसी डर से पीड़िता ने 1 महीने तक शिकायत दर्ज नहीं कराई। पीड़िता ने पुलिस को यह भी बताया है कि आरोपियों ने उसके एक कोरे कागज पर दस्तखत करा लिए थे और उसे कहा था कि उसकी शादी आर्य समाज में हो गई है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। हैरानी की बात तो ये है कि इतने खुलेआम सब कुछ होता है, एक लड़की बाजार जा रही होती है और उसका अपहरण हो जाता है, वो भी भरे बाजार में, और बाकी लोग सिर्फ देखते रह जाते हैं। कितनी हैरानी वाली बात है कि यहाँ पे इधर घूम रहे हैं लोग, इधर घूम रहे हैं, लेकिन कोई उसको ये देख ही नहीं पाया कि एक नाबालिग का अपहरण हो गया और उसको 7 दिन तक बंधक बनाकर रखा, उसके साथ दुष्कर्म किया गया। बहुत ही लालच है हमारे समाज पर, हमारे लोगों की जागरूकता पर। एक भरे बाजार से लड़की का अपहरण हो जाता है और लोगों को कानों कान खबर तक नहीं होती है। यहाँ तक कि पुलिस कहने वाली है कि हर वक्त लोगों के बीच में वो गश्त करती रहती है। वो गश्त भी कहाँ चली गई थी तब, जब एक लड़की की अस्मत तार तार हो रही थी। ये एक सोचनीय विषय, कहाँ तक हमारी बेटी सशक्त बन रही, हमारी सरकार बोल रही है लड़कियां सशक्त बन रही हैं, आरोपियों को फांसी की सजा मिल रही है, लेकिन कहाँ गए वो आरोपी, अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। तो वहीं एडिशनल SP राजेश रंजन ने कहा कि पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई है, उसने कुछ अन्य फोटोज भी दिए हैं जिसके आधार पर जांच की जा रही है और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी जो कि अभी फरार है। जरूरत है जागरूकता की। जो लड़की एक भरे बाजार में से गायब हो जाती है और उसकी अस्मत तार तार हो जाती है, लोगों को, समाज को और पुलिस प्रशासन को, यहाँ तक कि हमारे पूरे सिस्टम को कानों कान खबर तक नहीं लगती है। यह एक लोगों की जागरूकता पर बड़ा सवाल है जो कि इस पर एक प्रश्न चिन्ह लगा रहा। कहा जा रहा है कि हमारा इंडिया डिजिटल हो रहा है, हमारी लड़कियां सशक्त बन रही हैं, कहां तक हमारी लड़कियों की पहुंच है यह सरकार कह रही है, तो वही दूसरी तरफ ये एक मामले जो सामने आ रहे हैं वो उस पर पलीता लगा रहे हैं। सरकार को चाहिए कि उस सशक्तिकरण अभियान पर सख्ती बरती जाए, उसे सही तरीके से लागू किया जाए धरातल पर, न कि ऑन पेपर। ये सिर्फ कागजों में अच्छा नहीं लगता, ये धरातल पर होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इससे एक लड़की यानी एक नाबालिग और एक हर युवती की जान बच सकती है, उसकी अस्मत बच सकती है। ये हमारा भी फर्ज है और सरकार और प्रशासन पूरे सिस्टम का फर्ज है कि एक लड़की को उसका सुरक्षित माहौल प्रदान किया जाए। तो इसी के साथ मैं अंजलि आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए वाक्या, सच दिल दहला देने वाला।